हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, इस ब्लॉग की शुरुआत मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि राजे जा रहे हैं घर। राजा कौन है? राजा मैं हूँ, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ घर अकेली। मैं ही नहीं, मेरी सहेलियाँ, मेरी साथी, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी उनके बारे में। वो लोग भी जा रहे हैं घर। तो सुबह के हो रहे हैं 8:30, तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हैं। तो बस अब जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है ऑलमोस्ट। लोग ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमने पोहा बनाया था। तो गाइस चलते हैं घर पे और मिलते हैं सबसे, और आपको भी बताते हैं घर के नज़ारे। और हर बार की तरह घर जाने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता, मैं तो हमेशा रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पड़े हैं अपने कैब की तरफ। और हाँ, तो गाइज हम चल पड़े हैं अपनी कैब की तरफ और कैब नीचे वेट कर रही है। क्या हो गया, हुआ क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हर बार की तरह लापरवाह लड़की चार्जर भूलती हुई और नीचे। हम दीदी, हमें हमने बस छोड़ दी है, अब हमें बस नहीं मिलेगी वो वाली, अब हमें कोई और बस मिलेगी। मैं वो बोल रही हूँ, वो जो डायरेक्ट बस थी वो नहीं मिलेगी, डायरेक्ट जो पठानकोट के लिए थी। ये कैब में तो मिलते हैं आपसे बस स्टैंड में। हम सेक्टर 43 के बैक गेट पे, हमें ड्रॉप कर दिया था भैया ने, तो हम बस जा रहे हैं। तो कैमरा में चलते चलते स्टेबल नहीं होगा, पर चलो हमने एक बस तो मिस कर ही दी, अब देखो कौन सी बस मिलती है। आप देखो मेरे फेस का कितना बुरा हाल हो गया हुआ है यार। मैं हर ब्लॉग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है यार। होली के बाद तो मतलब देखा ही नहीं जा रहा, और मैंने ना शीशा देखना छोड़ दिया हुआ है। होली खेली थी आपने? हाँ जी खेली थी, भूल गया आप किसके साथ होली खेली। हैप्पी होली। तो फिर बस अब मैंने सोचा मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, छोड़ूंगी। हमने गाइस पारुल की अंडर एज, पारुल की नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि टिकट श्वेता की मैं अंडर एज वाली कटाऊँ, ताकि क्योंकि दिखने में तो वैसे भी हरकतों से तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी सी भी आपको 22 साल की लड़की लगती होगी किसी भी एज में। एज भी पता नहीं होती यार। हाँ अच्छा, 23 की है, सॉरी, ठीक है। देखो मम्मी कैसी बातें कर रही है, बोल रही शादी के ऊपर। मम्मा अब इसको पर्सनली कमेंट करके बोल देना, क्योंकि देखो कैसी बातें कर रही है। आंटी ब्लॉगिंग बेटा, आप पीछे स्लाइड देख। और मैंने डिसीजन ले लिया है कि आज से मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, ये करेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे हर वक्त ये बोलती रहती है तो अच्छा नहीं शूट करती, तो कुछ नहीं करती, तो ये करेगी। मैं तो मोटिवेट करती हूँ मेरे को कुछ बोलना मत मम्मा। लोगों को बोल रही थी कि तुम्हें वो वाली मीम याद है। वो वाली कौन सी? मुँह अंधार है, मतलब लड़के होते हैं, मतलब लड़के तुम लोग जितने भी लड़की लड़का ऑडियंस मुझे देख रही है, तो क्या ये ठीक है कि नहीं? लड़के होते हैं वो दूसरे फ्रेंड को बोलते हैं भाई चल बाल कटाने चले, ठीक है, कहता हाँ चल ठीक है भाई चलता हूँ। जिसने बाल कटवाने होते हैं वो बाल कटवा रहा होता है, और दूसरा बंदा ऐसे उसके बैठा होता है और देख रहा होता है। बहुत मस्ती आई मुझे तो, बिल्कुल हंसी नहीं। कैसे बंदे हैं यार, मैंने इंडियन एंग के साथ हम भी तो करते सच्ची। श्वेता एक बार ना श्वेता के बाल कटवाने गए थे, हम 4 लोग गए थे, ठीक है। एक जन मुझे घूर रहे और एक जन जो उसके बाल काट रहे थे उसको घूर रहे थे। अंडर प्रेशर कर दिया भाई ने, गलती काट दी और उसने जब गलत और उधर से मेरे को उसने गलत काट दिए लिटरली, और इतना पूरा मतलब पूरी कटिंग घूर रही, पूरे बाल खराब कर दिए। और ये 3 बंदे मुझे पीछे कह रहे बहुत खुश। अरे यार उसने कटिंग अपने से अच्छी करी थी, वो बात लगे अपनी कर रही थी। आई अप्रिशिएट तू नाइस यार, नाइस तेरे से सूट नहीं कर रहा यहाँ पे टेढ़ा।
हमारी बस 10-15 मिनट के लिए। तो ये महानुभाव जी तो सो गए थे, तो इन्हें अभी उठे हैं तो इनको चाहिए होगी चाय, जबकि घर से चाय पी के आए हैं। एंड दीदी पूछ रहे हैं कि क्या लें, ठीक है, और अंकल चिल्ला रहे हैं भाई खाना खा लो। तो हम खाना तो नहीं खाएंगे क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके आए थे। वैसे हमारी बस जा रही है जम्मू से कटरा। वाह भाई, वैष्णो देवी के द्वार जा रही है, और हम तो आधे रास्ते में ही उतर जाएंगे। बढ़िया है। तो आपको इतने टाइम बाद ट्रैवल करके कैसे लग रहा है श्वेता? इतने टाइम बाद ट्रैवल करके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, आप तो सोए हो, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, हाँ अभी 10 ही बजे हैं। हाँ नहीं सॉरी, दिलाऊं खिलाऊं मैं आपको कुरकुरे? कुरकुरे खाते हैं? अच्छा जो आपका मन कर रहा है वो खा लो। यहाँ पे चटपटी टॉफीज देख के हमारा तो मन पिघल गया, वैसे भी मन खराब हो रहा था, तो मैंने ये ले ली, ये ऑरेंज वाली, ताकि मन खराब ना हो। और मुझे दिखाई ये चांद सितारा, तो हम खाएंगे ये चांद सितारा, इतने दिनों बाद दिखाई है। दीदी ये खट्टी वाली होगी, ज़्यादा खट्टी वाली। चलो चलते हैं। मैं इसको टॉफी इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बचपन में दीदी को चिप्पी में बारी नहीं देती थी, ठीक है, तो हमेशा दीदी के साथ गलत करती थी, बहुत ख़राब थी। अब मैं और दीदी रहेंगे तेरे को टॉफी भी नहीं देंगे। हाँ तू, मैं छोटी थी, तू गंदी औरत है, मेरे को सब पता है तेरे बारे में। तो दीदी चलो मैं सहन कर ही लेती हूँ, चार दीवारी के अंदर जो मेरे साथ हिंसा होती है वो तो चलो मैं सहन ही कर लेती हूँ। ये देखो, पर मैं भली बाजार में, भरे बस में, मैं क्या जवाब दूँ इसको? विश्रुति आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके लिए? मेरे नाम क्या कि दिल नहीं लगाया? ये मेरे से लड़ रही है भाई, जबरदस्ती दिल लगा। तेरे से तो बात कौन कर रहा है? मैं दीदी से बात कर रही हूँ। जबरदस्ती नाम क्या के दिल लगवाया? इसकी लड़ाई ये है कि दीदी ने मेरे नाम के आगे फोन में दिल लगाया है, तो इसके नाम के आगे दिल क्यों नहीं लगाया? तो क्यों लगाया? तू डिजर्व नहीं करती, इसलिए जबरदस्ती वाला प्यार। चलो मत रीस करो, जबरदस्ती वाला प्यार प्रायोरिटी। बंदूक रखी थी मेरे सर पे, फिर ऐसे इसकी इच्छा पूरी ना हो तो फिर पता है अभी आगे का बड़ा सफर है, तो इसने चुप ही नहीं होना, तो बात हो है, बाहर भी नहीं जा सकते गए। वही बोल रही, इसने चुप ही नहीं होना फिर। इसलिए लगाया दिल में। हाँ जी, एक बस चेंज करने के बाद में आ गए हैं दूसरी बस की। ये मेरे साथ बैठे हैं विश्वनी देवी, हाँ, तो पठानकोट तक बस थी और वहाँ से अपने जसूर तक की ले ली बस। वैसे तो हमें आगे नूरपुर तक जाना है, बट ये भी जसूर में काफ़ी टाइम लिया, तो हमने फिलहाल जसूर तक ले लिया, तो वहाँ से एक और बस चेंज करनी पड़ेगी, देन हमें अपने घर तक की बस मिलेगी, दूसरी बस में मिलते हैं। हमसे मिलने के लिए आए हैं ये, बहुत दूर से गनों से मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहाँ देखो। और डॉक्टर साहब हो रहे लेट और हमारे लिए लेकर आए हैं समोसे, ठीक है। हम पहुँच गए जसूर, अब यहाँ से देखते हैं कोई डायरेक्ट बस मिलती है घर के लिए तो ठीक है, वरना नूरपुर से लेंगे। हमें नूरपुर से भी आगे के लिए बस मिल चुकी है, और हुआ ऐसा कि मुझे जाना था वॉशरूम, तो मैं नूरपुर में वॉशरूम चलेगी, पीछे से ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। जब मैं वापस आ रही हूँ देख रही हूँ ना मुझे अब कोई अपना बंदा दिख रहा, ना मुझे बस दिख रही है। ये तो चलो अंकल जी ने रुकवाई बस, ठीक है, और दीदी भी होती थी उन्हें भी रुकवाई बस, जिसकी वजह से हम आज मैंने साथ छोड़ा। मुझे इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये बोल भी पाएंगी कि नहीं भाई, मैंने अब भेजी दो तीन बार, बोलो बोलो आगे। हाँ जी हाँ जी, मुझे अंकल पे विश्वास था। हाँ जी, मुझे अंकल पे विश्वास था, छोड़ के जा रहे थे, हमने सोचा यहीं पे रुक जाएगी, आगे के पास पैसे भी नहीं है, बैग भी नहीं था। हाँ जी हाँ जी, और ना मेरे पास फोन था, मेरे पास पैसे थे, और मैं भाग रही हूँ, पर चलो बचा लिया तुमने यार, थैंक्स। भाई मेरा आ गया शहर लाडू, और मैं जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है, ओके, मुझे मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, बट आप लोग प्लीज़ मत करना, ओके, ठीक है, तेरी तो मैं बात ही नहीं सुन रही, ठीक है। क्या मेरा प्यारा भैया मुझे लेने के लिए आ गया है, और हम पहुँच गए हैं अपने शहर लाडू।
भैया जी कुछ बोलो बोलो कैसे बोलना तेरा अंकल कैसे हो ठीक हो गाय कहाँ है अच्छा अच्छा तब ठीक है वाह बड़ी मिलिए तेल चो आ जाओ जा डालो तेल डालो लक्ष्मी आई है घर पे और बनिए बुड्डी मेरी ठीक है क्या हाल है आपके कैसे लग रहा है आपकी बेटी आगे घर कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है चलो ठीक है मिलिए मेरी भाभी जी से तो भाभी से भी मिल ले हैं वो का है चिक्कू का है गोई गोई कब आएगा आया था ना अभी गोई तो कल तो गया कल ही गया अच्छा कांटेक्ट नहीं है ना इतना तब बता रही है और ताई ताऊ का है सारे ताऊ लाडू ते ताई अच्छा तो ताऊ अरे वाला ओके ओके अभी बड़ी मम्मा से तो मिल लिए हैं मम्मा जी अभी घर पे हैं नहीं वो शायद कल आएंगे पापा जी भी अभी घर पे नहीं कोई भी घर पे नहीं है थैंक यू मम्मा ठीक है तो गाइज आई थिंक मुझे ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मिलते हैं अभी कोई भी घर पे नहीं है तो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं बाय बाय